Hi guys, आज मैं सभी में आप लोग पढ़ाऊंगा isometric view का question. आप question अब blackboard पर देख सकते हैं. Draw the isometric view of a circular lamina of diameter 48 placed with its surface parallel to BP. यानी कि इस question में बोल रहा है कि एक isometric view बनाए एक circular plate का जिसका diameter 48 दिया गया है और एक placed कर यानी कि रखा गया है सरफेस पैरेलल वीपी यानी कि सरफेस वीपी के पैरेलल रखा गया है. आप देख सकते हैं हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है. क्लियर है हमारे पास पूरा एचपी हो गया पूरा वीपी हो गया. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं. सर्कुलर प्लेट डायमीटर 48 क्लियर है और प्लेस विथ सरफेस पैरेलल वीपी. सरफेस पूरा हो गया ये आपका पूरा सरफेस हो गया सरफेस पैरेलल टू वीपी. ये मेरा पूरा वीपी हो गया और ये मेरा पूरा एचपी हो गया सरफेस पैरेलल टू वीपी. क्लियर हो तो सबसे पहले इसका हम बनाएंगे प्रोजेक्शन यानी कि जब इसका बनाएंगे प्रोजेक्शन तो फ्रंट व्यू में हमें एक सर्कल दिखेगा. आप देख सकते हैं आपको भी एक सर्कल दिख रहा होगा और टॉप व्यू में जब भी इसका टॉप व्यू हम लेंगे तो टॉप व्यू में एक हमें लाइन दिखेगा यानी कि यदि 48 डायमीटर का यदि सर्कल है तो सर्कल 48 डायमीटर का ही आपको दिखेगा लेकिन जब हम टॉप व्यू में देखेंगे तो 48 का एक लाइन हमें एचपी में यानी कि टॉप व्यू दिखेगा. यानी कि जब इसको हम बनाएंगे प्रोजेक्शन तो आप ध्यान देंगे ये मेरा पूरा एक्शन हो गया यानी कि फ्रंट व्यू हमेशा बनता है वीपी में. तो इसका बनाएंगे हम फ्रंट व्यू सर्कल बना था यानी सर्कल 48 डायमीटर का है तो इसका आर लेंथ 20 mm आर लेंथ सर कंपास से 48 का है बनाएंगे सर्कल. बन गया सर्कल यानी कि इधर सेंटर हो गया. क्लियर सेंटर 20 mm हमने आर लिया रेडियस लिया और पूरे को 40 mm डायमीटर में कन्वर्ट कर दिया यानी कि जो बना आपका एक फ्रंट व्यू 40 mm डायमीटर का बना हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे 40 mm. क्लियर अब इसके सहारे हम बनाएंगे इसका टॉप व्यू यानी कि टॉप व्यू जब बनाएंगे हम तो इसको हम सेंटर से तो इसको पास करेंगे रेडियस यानी कि मेरा पूरा डायमीटर हो गया. जब भी हम बनाएंगे इसका टॉप व्यू आपका एक लाइन बनेगा आप देख सकते हैं यानी कि ये आपका हो गया ओ डैश डैश यानी कि ये आपका पूरा आपका वीपी है. वीपी में आपका बना है फ्रंट व्यू और ए आपका हो गया ए डैश और ए आपका हो गया बी डैश यानी जो बना आपका ये लाइन 40 mm का ही यहाँ आपका बनेगा. ये जो आपका बनेगा लाइन 40 mm का ही बनेगा. क्लियर यानी कि ये आपका हो गया कैपिटल स्मॉल सॉरी ओ और ये आपका हो गया डी. ये बन गया मेरा प्रोजेक्शन. अब हम इस प्रोजेक्शन को चेंज करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू. क्लियर हो अब इसी लाइन को हम और आगे बढ़ाएंगे. क्लियर तो पहले भी हमने आपको इस वीडियो बता दिया गया था कि सर्कल को हम लोग एक स्क्वायर रिंग में उसे घेरते हैं या फिर उसे स्क्वायर में हम रखते हैं. क्लियर यदि हम इसको स्क्वायर रिंग में डालते हैं कुछ आपको इस टाइप का डायग्राम बनेगा. यानी जब इसको स्क्वायर में डालेंगे Thank you.
क्लियर ना, यानी कि ए मेरा यहां से यहां तक ए मेरा था 2h पेंसिल, ये पूरा स्क्वायर का छुड़ा दिया, इस इसका डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी के बाद पता है कि यहां कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी, यानी कि हमने इसे स्क्वायर रूट में डाल दिया। अब हम इसे इस फिगर को यानी इस प्रोजेक्शन को आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट का बनाएंगे आइसोमेट्रिक, यानी कि आइसोमेट्रिक जब बनाएंगे सबसे पहले ये भी पूरा 40 होगा, पूरा 40, ये भी 40 और ये भी 40, यानी कि स्क्वायर है, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे स्क्वायर को। आप बता दीजिएगा कि स्क्वायर का आइसोमेट्रिक रोम्बस होगा, पहले हमने 40 एमएम का लाइन लिया, यानी कि हमने स्टार्ट किया है सी और ए, यानी कि यहाँ कैपिटल सी हो गया और यहाँ पे ए हो गया, यानी कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, कब जब भी आपका सरफेस बोलेगा वीपी के पैरेलल, पहले हम किसी एक साइड का एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, क्लियर। उसके बाद हम 30 डिग्री एंगल पे 40 एमएम का ही लाइन लेंगे, क्लियर ना, यानी कि 30 डिग्री एंगल पे हमने यहां 40 एमएम का लाइन लिया, यानी कि कैपिटल सी, कैपिटल ए और सी के बाद यहां पर बी, कैपिटल डी, फिर यहां से हम ए इसी पे इसी पॉइंट पे हमने के परपेंडिकुलर लाइन 40 एमएम का है, देख सकते हैं क्लियरली 40 एमएम का हमने एक लाइन लिया और फिर यहां से हम इसको एक 40 एमएम लाइन लेना इसके पैरेलल, कैपिटल ए, ए बी, ए बी सी डी, यानी कि यदि हम इसको बदलते हैं यहां से इसको ऐसे आप डाल सकते हैं ए बी सी और ए डी, क्लियर ना, कोई एक साइड हमें लेंगे, कोई एक साइड लेंगे परपेंडिकुलर, हमने लिया ए और डी, हमने इसका नेमिंग उल्टा कर दिया है, तो आप यहाँ से ए बी सॉरी माफ करेंगे ए सी और ए बी हो गया, तो यदि हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ए डी सी अब आपका नेमिंग सही हो गया, क्लियर ना। अब हम पहले इस स्क्वायर का बनाए आइसोमेट्रिक व्यू, यानी कि बना रोम्बस, अब इसी रोम्बस में हमें ए आपका सर्कल फिट करना है, यानी कि हमें बनाना है, तो देखिए इस मेथड में हम इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था पॉइंट मेथड, इस वीडियो में हमने आपको बताएंगे फोर्स सेंटर मेथड, यानी कि जो हम बनाएंगे फोर्स सेंटर मेथड, फोर्स सेंटर मेथड इसे क्या करेंगे, जो आपका लाइन दिख रहा है इसको हाफ कर देंगे, यानी कि यदि 40 है तो हाफ का तो 20 होगा, इसको भी हाफ का तो 20 होगा, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा, क्लियर। सारे का नेम करते हैं, नेम नंबर है 1 2 3 4, क्लियर। अब हम क्या करेंगे इस केस में, जहां लाइन को हमने डिवाइड किया है यानी कि हाफ किया है, हर एक को डायगोनली पहले मिला देंगे, क्लियर। आप ऐसे भी मिला सकते हैं लेकिन हम एक ही से मिला है, उसके बाद एक भी से का सेंटर सी से नाम हमने बनाया और फिर वही केस अपोजिट, यानी कि इसके अपोजिट, यानी कि सी से फिगर कुछ आपको दिखा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप कंपास से और आप जब ग्राफ्स बनाएंगे तो एकदम सटीक बनेगा। हमें कुछ पॉइंट मिला, आप देख सकते हैं एक पॉइंट 2 3 1 2 3 4
4, यानी कि 4 सेंटर, यानी कि एक सेंटर हमें यहां मिला, यानी कि जब हम कंपास को रखेंगे C और 2, ध्यान देंगे C और 2 को R मानेंगे, R मानने के बाद C और 2 को R मानते हुए कंपास को 1 तक लेकर आएंगे, ध्यान देंगे 1 तक लेकर आएंगे, फिर दोबारा वही वर्क हम यहां करेंगे, A को सेंटर मानेंगे और 3 को R मानेंगे, ध्यान देंगे A को सेंटर मानेंगे और 3 को R मानेंगे और फोर तक से लेकर आएंगे, क्लियर हो? अब हम क्या करेंगे, जहां है पॉइंट मिला है अलग से जो क्वेश्चन दिख रहा है, कंपास रखेंगे यहां पे और इस सेंटर के पास और 2 को R मानकर फिर दोबारा फिर वही वर्क इसके उल्टा अपोजिट में करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, यानी कि जब इस पॉइंट में यहां से मिला था, यानी कि देखिए एक बार इसको हमने आर माना या फिर इसको आप आर मान सकते हैं और एक बार इसको आर मानेंगे या फिर इसको भी आर मान सकते हैं, यानी कि दोनों का आर सेम आएगा और इस मिला, यानी कि जो आपको दिख रहा होगा एक लिफ्टर से दिख रहा है, यानी कि जब इसको हम डाल करेंगे या बनकर तैयार हो गया, यानी कि